मशहूर तब हुआ जब पूरा शहर मुझसे जलने लगा, तब समझ आया कि अपना नाम भी चलने लगा। तो और भाई लोग क्या हाल चाल यार। तो यार आज हम काफी दिनों के बाद फिर से सानी जी के साथ खेल रहे हैं। और भैया सानी जी के साथ जब भी मैं मैच खेलता हूँ तो आपको पता है कि यार गलत सीन दबा दबा के होते हैं, तो इस मैच में भी गलत सीन दबा के होंगे, पर साथ ही इस मैच में कुछ फनी मूवमेंट भी होने वाले हैं जिनको देख के आपको मजा टाइप का जाएगा। पर फिलहाल हम सिपरनी उतरे हैं और यहाँ पे भैया 2-3 सकौर उतर चुकी हैं, तो मैं गन वन लूट ही रहा था और तभी ओ पहले पर लूट लेना फिर जाना तुमने। तो यार जैसे ही मैं गन वन लूटता हूँ तभी में मुझे आगे से गोलियां चलने की आवाज आती है, तो मैं चुपके चुपके आगे की तरफ जाता हूँ ये सोच के कि भैया किल चुरा लेंगे काटो तो मजा टटका जाएगा। लेकिन देखो यार क्या होता है। और यार कसम खा रहा हूँ भैया इस लड़के को देख के ना बिल्कुल एकदम से धक धक सा हो गया था यार। और चाचा ने ऊपर से नाम भी भैया मनिया सुरभि लिखे हैं। खैर जो भी हो इसके हम पेटी बना देते हैं। उतने में सानी जी कहती है कि मेरे पास कोई बंदा आया है बचाओ मुझे, तो देखो यार कैसे बचाते हैं। और भैया हमारी सानिया जी को बंदा और बोट में फर्क नहीं पता चला। तो यार ये तो एक बोट दादा होते हैं, पर यहाँ से ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, तो वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना भैया। नंबर दोनों नॉक ठोकर खाने से बढ़ते हैं आगे और फौजी मारे बंदों को बिना स्कोप लगा के। तो यार यहाँ पे भैया अपने सस्ते सपरे से दो बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ, तो फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ और एक बम्बाबूरा करता हूँ और देखो फिर। तो यार बम्बाबूरा से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा भैया वो अलग ही लेवल का होगा, तो देखो यार ध्यान से। अब जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ तो ऊपर से एक बंदे की और फुर्सतें आ रही होती है, तो बम्बाबूरा तो होते नहीं अपने पास, इसलिए मैं स्टन ग्रेनेड फेंकता हूँ और देखो यार इससे क्या होगा। खड़ा ही था बिल्कुल। आइए आइए इधर आइए। तो यार स्टन ग्रेनेड ने हमको दे दिया था धोखा और उसी टाइम इस बंदे ने हमको शॉट गन से ठोका, पर जैसे तैसे भैया हमारी सानी जी ने हमको बचा ली। लेकिन यार उतना ही में दूसरी सकॉट हमारे ऊपर रस कर देती है जिसकी फुटस्टेप आप नीचे से सुन रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ और पट्टियाँ होती नहीं है, तो अब जो भी है भैया भगवान भरोसे है यार। क्या चाहिए? बेटी मैं तो नहीं आईटी अभी रुक जा रही मैं खेल लेता हूं। नहीं बेटी ना देना मैं जा रहा हूं। Nice. सुकून की बात मत करे पगली, जंग अभी बाकी है, खत्म नहीं हुए हैं सारे, अभी एक फौजी बाकी है और ये फौजी सुनेगा सुनाएगा लेकिन अपनों के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। तो यार यहाँ पे भैया ये 1 HP क्लच के लिए यार एक लाइक तो बनता है, तो दबा दो लाइक के बटन को। फिलहाल देखो भैया यहाँ पे जो सीन हुआ वो जो भी हुआ तुक्के में हुआ यार। कसम से मेरे को लग रहा था कि लॉबी में जाएंगे मस्त फिर से स्टार्ट बटन में क्लिक करके दूसरा मैच खेलना है, लेकिन यार पता नहीं कैसे पर जैसे तैसे हम इनकी पेटी बनाई देते हैं। तो फिर मैं यहाँ थोड़ी सी लूटलाट करता हूँ, उसके बाद भैया मिल जाती है फ्लेयर, तो फ्लेयर चला के AWM और ग्रोजा का जुगाड़ हो जाता है और फिर मैं आ जाता हूँ स्कूल की तरफ। और यहाँ आते ही देखो क्या सीन होते हैं। ओ फायर हुआ। एनिमीज अहेड। आ रहे हैं आ रहे हैं। घर के अंदर घुसा।
एक और एक है। हाथ में थी ग्रोजा इसलिए अकड़ नहीं थी कम, पर मुझे पता नहीं था कि यार भाई के हाथ में भी है बम। तो यार यहाँ पे भैया छल कपट हो जाता है यार मेरे साथ, पर जैसे तैसे भैया सानी जी फिर से मोर्चा संभाल ही लेती हैं यार। लेकिन जैसे ही वो इस टीम को मारती हैं तो भैया सकूल अपार्टमेंट से कुछ बंदे हमारे ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तो मैं पट्टी लगाता हूँ, सकोप लूटता हूँ और भैया आगे की तरफ जाता हूँ। और देखो यार आप स्मोक कर रही हूँ। सुन पगली, तुझे जान कहकर भले ही बुलाता हूँ पर मेरी जान मेरे यारों में बसती है, इसलिए तो मेरी स्नाइपिंग थोड़ी सस्ती है। और भैया सस्ती स्नाइपिंग से यार मैं दो दो बंदे गिरा देता हूँ। तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और अब जो सीन होने वाले हैं वो काल्पनिक घटना में आधारित होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, मजा टाइप का जाएगा। तीन हिट आया। अब दो नॉक हैं और दो बचे हैं, तो देखो फिर। आंख मत दिखा इधर ही गाड़ दूंगा, नाम फौजी बोलते ग्रोजा की 40 की 40 उतार दूंगा। तो भैया यार अगर आपको ये सीन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो बनता है, तो दबा दो यार लाल बटन को। फिलहाल देखो यार उसके बाद मैं सानी जी को रिवाइव करता हूँ और लूटा लाटी करके जाने की फुल तैयारी में होता हूँ, पर उतना ही में ये सीन होता है। ओ जी, कोई मारा। वो जो भी मारा सामने से मारा, तो यहाँ मैं इंजेक्शन लगा ही रहा होता हूँ तभी मुझे उसकी गंध दिखती। बिल्कुल पास में है वो। और चाचा यार बिल्कुल बाल बाल बसते हैं, तो यहाँ पे भैया मैं इंजेक्शन लगाता हूँ और फिर रस कर देता हूँ। और अब देखो यार कैसे निपटाते हैं। ग्रेनेड आपने नहीं किया था ना, उसने किया था ना। ओके, एक ही है वो। बेटा दिन में तुझे तारे दिखा दूंगा, तुम मारोगे M4 में ग्रोजा से जवाब दूंगा। और भैया फाइनली यार हम इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं। तो यार यहाँ से लूट लाट करके मैं आगे की तरफ जाता हूँ और थोड़ी देर तक बंदों को ढूंढने के बाद मुझे आगे एक गाड़ी दिखती है। और फिर वो गाड़ी गई सामने से। और फिर सानिया भैया फुल एनर्जी में कहती है कि गाड़ी, तो मुझे लगा यार ये फायर आयर कर देगी। तो मैं बोलता हूँ भैया फायर मत करना, इन तो ये घेर के पेलेंगे हमें। तो हम चुपके चुपके आगे जाते हैं और देखो फिर क्या होगा। भाई मैंने भी खेला था बता, ऐसे रैंडम के साथ यहीं पे क्या। सस्ती कमेंट्री फौजी की भारी है, घर में घुस के मारेंगे अब तुम्हारी बारी है। तो भैया बताओ यार कैसा लगा ये क्लच। अगर अच्छा लगा तो भैया बेल आइकन भी दबाई देना यार, ऑल में कर लेना यार, तुम लोग ऑल में नहीं करते। और हाँ यार कुछ बंदे भैया मेरे से डेली पूछा करते हैं ये ओपी क्या होता है, ये जीजी क्या होता है। भैया ओपी का मतलब होता है ओवर पावर और जीजी का मतलब होता है गुड गेम। खैर जो भी हो इनके हम पेटी बना देते हैं और यहाँ से लूट लाट करके भैया हम काफी देर तक बंदों को ढूंढते हैं, लेकिन यार कहीं पे भी कोई नहीं मिलता। तो यार मैं इस साइड जाता हूँ और भैया आगे जाते ही मुझे एक बंदा दिखता है जो कि यार निंजा टेक्निक कर रहा है। तो मैं गाड़ी साइड में ले जाता हूँ और अब देखो क्या होगा। हाँ मैं क्या हैकर हूँ क्या, घर में बंदे है क्या, अंदर है और ये पूरी बहरी हो चुकी है। मैं इसको बता रहा हूँ कि घर में बंदे हैं और इसको लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, पगला गई है बिल्कुल। फिलहाल ये बम बबूरा देखो, बिल्कुल भैया एग्जैक्ट जाके मुंह में फटा यार, लेकिन बंदा फिर भी नॉक नहीं हुआ, इसलिए यार मैं बम बबूरा नहीं करता। खैर अब सानिया जी का देखो। जय श्री राम। एक नंबर। हे 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 हे। और कुछ
अरे रुको रुको रुको, नहीं मार रही मैं। हेलो 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 मैं तू मुझे किल मिल जाएगा ना तो। अरे मार दो यार, एक्शन ना मारो। जब भैया देखो किल देना ही था तो फिर बम्बा पूरा काय करी। खैर देखो जो भी सीन हो यार, आगे भैया एक और बंदा होता है जो कि यार निंजा टेक्निक कर रहा था, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है, तो मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ, तभी मुझे फुर्सतें पाती है। और फिर 5 रुपए में महंगा है तुम्हारा बम्बा पूरा। और यार ईगो हर्ट कर दी थी इसने यहाँ पे, तो मैं एक और बम्बा पूरा करता हूँ। और देखो फिर और भैया ये लड़की मरवा के मानेगी यार, बता यार ऐसा कौन करता है। और ऊपर से भैया गिलगिला के हंस भी रही है यार। खैर देखो इस हंसी की बात अलग है, नहीं समझोगे तुम, पर फिलहाल मैं पट्टी लगा ही रहा था और उतने ही मुझे एक और गाड़ी दिखती है। हाँ स्नाइपर करो फिर, हाँ खोपड़ा फोड़ो। और यहाँ सस्ते स्नाइपर से खोपड़ा फोड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। खैर देखो यार जो भी सीन हो, मैं यहाँ पे पट्टी लगाता हूँ और उस बंदे का पीछा करता हूँ, और तब पता चलता है कि भैया वो सरकारी ड्रॉप के पास ही लेट गया है गाड़ी के पीछे। तो यार मैं धीरे धीरे आगे जाता हूँ और देखो अब क्या होगा। चाहे बंदा हो या बोट, मारेंगे सबको हेडशॉट, भले ही 3 बार में लगा पर लगा। तो भैया इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते इंस्टा में फॉलो करते जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपसे एक बात कहूंगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतनी था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।